I stand by whatever I have said. These are completely political, motivated and malicious charges against me. शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ वहां। सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछे सरकार से, गिरेवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को। इनको समझाने की जरूरत है संजीव जी, अर्णब गोस्वामी, इनको समझाइए जरा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन। अर्णब गोस्वामी, ये नाम आजकल काफी सुर्खियों में है। अर्णब अक्सर अपनी डिबेट के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में हैं। इस घटना के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अर्णब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कुछ दिनों पहले अर्णब गोस्वामी को FIR के चलते मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ के बाद जब अर्णब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। As a law-abiding citizen of this country, I am here to subject myself to being interrogated by the Mumbai police. The Mumbai police has said that it has to urgently interrogate me in connection with the complaints made by a Congress leader about my statements with Sonia Gandhi. I have said nothing wrong. I stand by whatever I have said. These are completely political, motivated and malicious charges against me that have been put by the Congress government in Maharashtra. I will make my statement clearly before the police. But I also hope and I want to tell the Mumbai Police Commissioner, Mr. Parambir Singh, that he should also investigate the attack on me and my wife, who is a senior editor with Republic TV. And therefore, I believe that it is completely unfair of the Mumbai police to cover up that case while investigating this case. It only shows that there is a lot of political prejudice. अर्णब गोस्वामी पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं कि हमने सोनिया गांधी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा, हम अपने बयान पर खड़े हैं। इसी के साथ ही अर्णब ने मुंबई पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। इसके चलते कुछ पत्रकार अर्णब के खिलाफ हो चुके हैं और कुछ अर्णब के पक्ष में आ चुके हैं। न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने अर्णब की पत्रकारिता पर टिप्पणी की और अर्णब की कड़ी आलोचना की। हमने राजनीतिज्ञों को हत्या पर रोटियां सेकते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार कब से रोटियां सेकने लगे हत्याओं पर? कब से सेकने लगे पत्रकार रोटियां हत्याओं पर? दो संतों की हत्या होती है और ऐसे में हम पत्रकार जगत के लोग उस पर अपना उल्लू सीधा करने लगे तो हमसे बड़ा चील कोई नहीं है, हमसे बड़ा कौवा कोई नहीं है। बहुत शर्माती है, शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ वहां पर। सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछे सरकार से, गिरेवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को, हिला दीजिए सरकार को। लेकिन ये क्या कि आप बस सरकार की बखिया इसलिए उधेड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने बीड़ा उठा लिया है और आप किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में असभ्य से असभ्य, गंदी से गंदी भाषा, गलीच से गलीच, उपमान का अपमान की बातें कहें? भाई शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं पूछता हूं आपसे। वहीं दूसरी ओर कुछ एंकर अर्णब के पक्ष में भी बोल रहे हैं। सीनियर पत्रकार अंजन ओम कश्यप ने ट्वीट करके लिखा, अगली बार उन सबकी हो सकती है जो आज चुप है। पुलिस तंत्र का किसी भी पत्रकार पर बेजा इस्तेमाल शक पैदा करता है कि आप उसकी सोच और प्रस्तुति के आगे जाकर उसके खिलाफ प्रतिशोध से ग्रस्त हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कानून का मजा चखाने का अंदाज दायरा लांग रहा है, पूरा सच सामने आना चाहिए। और सीनियर पत्रकार रोहित सरदाना ने भी ट्वीट करके कहा कि किसी पत्रकार के विचार या प्रस्तुति के तरीके आपको नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के बावजूद अगर आप उसके खिलाफ पुलिस या तंत्र के बेजा इस्तेमाल पर अपनी चुप्पी का पर्दा डालते हैं तो यही लोग कल आपके घर तक भी आएंगे। पूछताछ के बाद अर्णब में भी एक बदलाव देखने को मिला। पहले जिस प्रकार से अर्णब चिल्लाकर सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे, रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती, आज वो चुप है
मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है, बिल्कुल वो खुश है कि संतों को संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ। अब वैसा नहीं कर रही। आप भी देखिए अर्नब के स्वर में आए बदलाव। मैंने कल पूछताछ से पहले कहा था कि मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा, सुन लीजिए सोनिया गांधी जी, एंटोनिया माइनो। मैं पूछता हूं इनको संजीव जी, अगर हम उनको पूछे ओ भाई वाड्रा परिवार हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, तो फिर ये क्या करेंगे, ये किसका क्या बिगाड़ ले, ये समझते नहीं है क्या? इनको समझाने की जरूरत है संजीव जी, अर्णब गोस्वामी इनको समझाइए जरा कि ये कुछ नहीं है लोगों हमारे देश के सामने। पहले अर्णब सोनिया गांधी को इटली वाली कह रहे थे और अब मैं सोनिया गांधी जी कहकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो देखा आपने बदलाव। पालघर महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शन के नतीजों के मुताबिक वहां कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। अर्णब को सवाल उद्धव ठाकरे से भी करना चाहिए था। इसके अलावा हाल ही में बुलंदशहर यूपी में दो साधुओं की हत्या कर दी गई। इस घटना के आरोपी को पकड़ लिया गया। पर सवाल यहाँ ये है कि अर्णब चीख कर योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं कर रहे। पालघर की घटना पर जितना हंगामा मेनस्ट्रीम मीडिया में था, अब वह बुलंदशहर की घटना पर क्यों नहीं हो रहा? हम यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश की जनता को सच दिखाए और सत्ता से सवाल करने की भी हिम्मत रखे, जितनी हिम्मत वह विपक्ष से सवाल करने की रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।